नालागढ़ के बर्ड फॉरेस्ट डे के उपलक्ष्य पर नालागढ़ के एसडीएम ने नालागढ़ के मिनी सचिवालय के प्रांगण में पौधारोपण किया। इस अवसर पर नालागढ़ के डीएसपी अनिल वर्मा, तहसीलदार डीआर कश्यप और अन्य कार्यालयों के अधिकारियों के अलावा नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज वर्मा सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। नालागढ़ के एसडीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को पर्यावरण को बचाने की दिशा में आगे आना चाहिए। आज वर्ल्ड डे ऑफ फॉरेस्ट के उपलक्ष्य में ग्रीन नालागढ़ को के उद्देश्य को सामने रखते हुए आज जन सहयोग से एक ट्री प्लांटेशन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें छायादार और ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाए जा रहे हैं। इसमें शहर से प्रबुद्ध जन और सरकारी विभाग के कर्मचारी अधिकारी सभी इकट्ठे होके हमारे यहाँ जितने भी कृषक यूनियन या ईंट भट्टे यूनियन है उनके सहयोग से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और सर किस चीज़ के पौधे लगे हैं सर? ये इसमें हमने छायादार वृक्ष लगाए हैं और देखने में जो सुंदर वृक्ष होंगे वो लगाए हैं, और 8-8 फुट लंबे हैं और 6 से 8 फुट, ताकि ये जल्दी से बड़े हो जाएं। और इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए किस तरह से आगे गर्मियों में ये वृक्ष चलेंगे, लोगों को मोटिवेट किया गया है कि वो डेली अब जो उनके अपने नाम का वृक्ष लगेगा उसमें पानी देंगे और अंशदान भी देंगे 50 रुपए के। सर पब्लिक को की मैसेज देना चाहेंगे इसके? हमारा अनुरोध रहेगा आने वाले मानसून में लोगों से कि वो वृक्षारोपण करें और अपने क्षेत्र के वातावरण को स्वच्छ बनाने के में सहयोग। इस मौके पर नालागढ़ के डीएसपी अनिल वर्मा ने भी अपने विचार रखे। आज ये एक बहुत अच्छा मौका है कि पूरी दुनिया वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मना रही है, और एसडीएम साहब के सौजन्य से और आप लोगों के सहयोग से एक पौधा रोपण किया जा रहा है, एक बड़ी उपलब्धि है। क्लाइमेटिकली नालागढ़ के लिए ये एक सौगात, और ये हर आदमी का दायित्व भी है कि जो शुरुआत इन्होंने की उसका एक अंत ना हो, पौधों का अंत ना हो, उनकी देखभाल की जाए। ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये तो हमारे हर धर्म में वृक्षों का पूजन किया जाता है, पीपल का पूजन करते हैं, बर्ड का पूजन करते हैं, तो वृक्ष तो हमारे वैसे ही आदरणीय है। शादी विवाह कोई भी फंक्शन हो तो वृक्ष का पूजन होता है, उसी प्रकार हमारे ये वृक्ष है। अगर हम इनका सेवन करेंगे, अपने परिवार की तरह पालेंगे, इनका पोषण करेंगे, इनको देंगे, तो ये जरूर हमें कुछ मिलेगा। आज जो ऑक्सीजन ले रहे हैं इनके बदौलत ले रहे हैं, तो मेरा तो यही प्रार्थना रहेगी। और बाकी जो केयर की बात है, जितने हमारे से बरसक पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से होगा हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।